नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अंतरा चैनल में आपका स्वागत है। आपको बताने ही जा रहे हैं कि अब ये यूक्रेन के युद्ध के बाद एमबीबीएस की सीटों में और एमबीबीएस कॉलेज में कुछ बदलाव किए जाएंगे, तो प्राइवेट और एमबीबीएस बीडीएस और डेंटल कॉलेज की फ़ीस कितनी लगेगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए न्यू वीडियो के लिए। तो एमबीबीएस और बीडीएस और डेंटल कॉलेज में प्रवेश के लिए हर वर्ष एनटीए की तरफ से नेशनल मतलब नीट का एग्जाम लिया जाता है। तो इस परीक्षा में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी बैठते हैं। ऐसे सरकारी कॉलेज में सिर्फ कुछ अभ्यर्थी को एडमिशन मिल पाता है, वहीं मजबूरी में कम रैंक वाले अभ्यर्थी को प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा फीस पे करनी होती है। तो इसी की वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। साथ ही गरीब परिवार से आने वाले बच्चे प्राइवेट कॉलेज में फीस ज़्यादा होने के चलते एडमिशन नहीं ले पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि अब 50% सीटों पर मेडिकल सीट होगी ना, जो कॉलेज है प्राइवेट सीट 50% सीटें अब सरकारी कॉलेज के हिसाब से चलेगी। मतलब ये हुआ कि जो सरकारी कॉलेज की सीटें हैं उसमें जो फीस होती है वही प्राइवेट कॉलेजों में 50% सीटों पर फीस ली जाएगी। दरअसल 7 मार्च 2022 को यानी सोमवार को जब जनऔषधि दिवस था उसके अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने जनऔषधि योजना शुरुआत की थी। इसी दौरान उन्होंने कहा था कि हमें तय करनी है कि प्राइवेट कॉलेज में मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के बराबरी फीस लगेगी। ये नियम अगले वर्ष से लागू हो जाएगा। और मीडिया और अखबार की रिपोर्ट के हिसाब से माने तो केंद्र सरकार ने इस फैसले के बाद नीट मेडिकल कमीशन मतलब NMC की गाइडलाइन तैयार कर ली है और अगले सत्र से यह नियम लागू कर दिया जाएगा। यह फैसला निजी विश्वविद्यालय से अलावा डीम्स यूनिवर्सिटी भी लागू करेगी, मतलब जो प्राइवेट कॉलेज है उसके साथ डीम्स यूनिवर्सिटी भी इसको लागू करने जा रही है। तो आपको ये बताएं, भारत सरकार ने सरकारी स्कूलों में MBBS की पढ़ाई करने के लिए अभ्यर्थियों कम से कम कई कॉलेजों में 80,000 के लगभग फीस लगती है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो प्राइवेट कॉलेजों में इससे कई गुना ज़्यादा जैसे 10 से 12 लाख 15 लाख तक इस फीस वसूलते हैं। तो ज़्यादा फीस लगने की वजह से अधिकतर छात्र प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं कर पाते और एक ऑप्शन ढूंढते हैं तो विदेशों में चले जाते, जैसे यूक्रेन, रूस, चीन आदि में सस्ते में कॉलेजों में एडमिशन ले लेते हैं। तो दोस्तों, इसको मिटाने के लिए मोदी सरकार ने इसको चेंज किया। अब देखते हैं अगले साल लागू होती है नहीं होती। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।